हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स कुक विद शिप्रा। आज हम बनाएंगे पोहा कटलेट। पोहा कटलेट को आप ब्रेकफास्ट पे या पार्टी स्टार्टर कैसे भी बना सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी और इजीली बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, पोहा कटलेट बनाना शुरू करते हैं। पोहा कटलेट बनाने के लिए पहले हम पोहे को अच्छी तरह से धोकर 5 मिनट के लिए भिगो देंगे। मैं यहाँ पर बाउल में 1 कप पोहा ले रही हूँ। इसको हम 4 से 5 बार पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे। ऐसा करने से पोहे में जो भी गंदगी होगी वो सब निकल जाएगी। पोहे को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और अब मैं इसमें 1 कप साफ पानी डाल रही हूँ। अब हम पोहे को 5 मिनट के लिए भिगोकर छोड़ देते हैं। पोहे को भीगे हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसका सारा पानी निकाल देते हैं। मैं यहाँ पर ये स्ट्रेनर ले रही हूँ और इसमें हम पोहे को डाल देंगे। अब हम पोहे को 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे जिससे इसका सारा पानी निकल जाए। पोहे को रखे हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब हम कटलेट का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। मैं यहाँ पर एक बाउल में ये पोहा ले रही हूँ और आप देख सकते हैं कि पोहे का सारा पानी अच्छी तरह से निकल गया है। अब हम पोहे को हैंड से इस तरह से मैश कर लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी 2 उबले हुए आलू। इनको मैंने ग्रेट कर लिया है। आलुओं को हम पोहे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पर आलू और पोहे को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें कटी हुई वेजिटेबल्स डालेंगे। मैं यहाँ पर ये 1/4 कप बारीक कटा हुआ प्याज ले रही हूँ। 1/4 कप बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च लिया है, इसको भी हम डाल देंगे। 1/4 कप बारीक कटा हुआ गाजर डाल रही हूँ और 1/4 कप मैं इसमें उबले हुए मटर डाल रही हूँ। वेजिटेबल्स आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी ले सकते हैं। अब मैं इसमें 1 टीस्पून बारीक कटा हुआ अदरक ऐड कर रही हूँ। 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। सब्जियों को हम पोहे और आलू के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने सब्जियों को आलू और पोहे के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून मैं इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून मैं इसमें चावल का आटा ऐड कर रही हूँ। चावल का आटा ऐड करने से हमारे कटलेट में बाइंडिंग अच्छी आएगी। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर का भी यूज कर सकते हैं। अब मैं इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। इन सबको फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा कटलेट का मिक्सचर रेडी हो गया है। अब हम इसको साइड में रख देते हैं और इसके लिए हम एक सिलरी बना लेते हैं। मैं यहाँ पर एक बाउल में 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ले रही हूँ और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसकी एक पतला सा घोल बना लेंगे। इसके लिए हमें पतला घोल ही बनाना है। अब हम अपने कटलेट बनाकर तैयार कर लेते हैं। मैं यहाँ पर हैंड्स पर थोड़ा सा तेल लगा रही हूँ और अब हम पोहे और आलू का थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे। इसको हम हैंड से इस तरह से रोल करेंगे और इसको मैं टिक्की की शेप दे रही हूँ। आप चाहे तो किसी भी शेप में कटलेट बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये कटलेट बनाकर रेडी कर लिया है। अब हम इसको कॉर्नफ्लोर के घोल में डिप करेंगे। अब मैं इसको ब्रेड क्रम से कोट कर रही हूँ। इसको हम ब्रेड क्रम से अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। ब्रेड क्रम से कोट करने से कटलेट बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। ये हमारा कटलेट बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसी तरह से बाकी के सभी कटलेट भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर सभी कटलेट बनाकर तैयार कर लिए हैं और अब हम इनको 10 मिनट के लिए फ्रीजर में सेट होने के लिए रख देंगे। फ्रीजर में रखने से कटलेट अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे और फ्राई करते टाइम ये टूटेंगे नहीं। तो चलिए, मैं इनको 10 मिनट के लिए फ्रीजर में रख देती हूँ।
कटलेट को फ्रीजर में रखे हुए आधा घंटा हो गया है, अब हम इनको फ्राई करेंगे। कटलेट को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसमें एक एक करके सभी कटलेट को डालेंगे। कटलेट को हमें मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। जब कटलेट एक तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे तब हम इनको पलट देंगे। कटलेट एक तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं और एकदम गोल्डन कलर आ गया है, अब हम इनको पलटकर दूसरी तरफ से भी गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। कटलेट दोनों तरफ से एकदम अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं और देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया है इनमें। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं, एक एक करके हम कटलेट को निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पर सभी कटलेट को फ्राई कर लिया है और ये देखने में ही कितने क्रिस्पी लग रहे हैं। अब हम कटलेट को एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारे एकदम क्रिस्पी और टेस्टी पोहा कटलेट बनकर तैयार है। आप इन्हें हरी चटनी या टोमेटो केचप किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। आप इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।